हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य को। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर हमें किसी ग्रंथ की महात्म्य को समझना तो हमें चार दृष्टिकोण से विचार करने चाहिए। पहला दृष्टिकोण क्या है, तो ये भागवत ग्रंथ कौन सुन सकता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे ये कथा को अपने प्रकाश रूप, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्रीमद् भागवत में बताए कथा वो ही सुन सकते हैं। बोले कौन है, बोले जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हुआ हो वही ये भागवत कथा सुन सकते हैं। यहाँ प्रश्न आता है, अगर कोई बोले भैया हम तो बहुत बड़े पापी हैं, क्या ये कथा हम सुन नहीं सकते हैं। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे श्री धुंधुकारी की कथा। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, कभी ये इतना बड़ा पापी था धुंधुकारी, जब गोकर्ण ने इसका नाम पर गया में पिंड प्रदान की और जब घर में आया देखा वो भूत बन गए बैठा। लेकिन हमारे शास्त्र में बताए जो गया में भगवान की चरण चिन्ह है, भगवान खुद ही बात को बताए अगर कोई गया में एक बार आए अपना पूर्वजों नाम पर एक बार कोई पिंड प्रदान कर दे वो प्रेत ज्वनि से उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब आया देखा फिर भूत बनकर बैठा हुआ, फिर तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप किया हूँ, मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड दे दोगे ना मेरे मुक्ति नहीं होगी। मतलब ये इतना बड़ा पापी था कौन है, ये तुम बताइए। लेकिन ऐसे बड़े पापी का मुक्ति कैसे मिली, उधार कैसे हुई। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा से, इसका मतलब है ये भागवत ग्रंथ कथा में इतने शक्ति, एक बार कोई अगर बैठ जाए केवल कथा सुन ले तो जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो उसको ये भागवत कथा सारे पाप से निकाल करके उसको भगवत प्रेम और भगवत धाम को प्राप्त करा देता है। ये कथा में इतने शक्ति है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मं जानति विश्वद्रोह अपि। यदि भागवत कथा सुनने का कितने महत्व है, बोले श्रुत अगर कोई कथा सुने, अगर ये भी नहीं हो पाए अनुपठित, अगर कोई कथा हो पाए, अगर ये भी नहीं हो पाए, अगर कहीं कथा हो रही है कोई व्यक्ति इतनी सी बात बोल बिल्कुल भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात कथा हो ही जाए, अगर इतना भी कोई बोल दे कहते वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, कभी उसने देवता को द्रोह क्यों नहीं किया हो, कहीं उन्होंने विश्व को द्रोह क्यों नहीं किया हो, बोले सत्य पुनाति सद्धर्मं, फिर उसी समय में ही वो सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत गति को प्राप्त करता है। इतना बड़ा ये भागवत कथा की इतना महिमा, बोले जहाँ पर ये भागवत कथा हो उस थली का कितना महत्व है। बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग। श्री सुत गोस्वामी ये भागवत कथा की महिमा कह रहे हैं, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कितने सारे तीर्थ है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती हैं गया गंगा प्रभास पुष्कर, पृथ्वी में जितने तीर्थ है चारधाम केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री हैं, इसलिए जितने सारे धाम हैं, अगर कोई सब धाम में कोई स्नान करना चाहे दर्शन करना चाहे असंभव है। पृथ्वी में इतने इतने धाम इतने तीर्थस्थली
करोड़ रुपया में भी आप सारा तीर्थ में भ्रमण नहीं कर सकते हो। लेकिन सुतो गोस्वामी बहुत अच्छी बात है, जो व्यक्ति ये भागवत कथा रूपी अमृत में स्नान कर ले, कथा रूपी गंगा में स्नान कर ले, बस उसको सारे तीर्थ में स्नान करना है, सारे तीर्थ में स्नान कर ले। वहां तक ही तीर्थ से वह स्नान करने से भी ज्यादा पुण्य। बोले क्यों? बोले तीर्थ में नहाने पर केवल थोड़ी पाप खत्म होता है और कुछ नहीं, फिर घर में आकर फिर वही पाप करते, फिर वही पाप में लिप्त हो जाओगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में कोई स्नान करेगा तो वो पाप तो खत्म हो ही जाएगा और उसके हृदय में भगवान की विवास हो जाएगी और संपूर्ण जीवन ही तीर्थमय हो जाएगी, संपूर्ण जीवन ही तीर्थमय हो जाएगी। इसलिए श्री उद्धव जी, श्री उद्धव जी जैसे विदुर जी को कहते हैं, वह तीर्थ को बंत तीर्थानी सांत्वस्तेन गदार देता, भक्त स्वयं तीर्थ है पर तीर्थ क्यों जाते हैं? भक्त स्वयं तीर्थ पर तीर्थ क्यों जाते हैं? बोले तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, बोले तीर्थ तो बंत तीर्थानी, तीर्थ को तीर्थ को प्रदान करने के लिए जो पापी लोग आकर के तीर्थ में स्नान करते हैं वो सारे पाप की बोझ उन छोड़ चले जाते हैं, वो स्थान है तो पाप युक्त हो जाता है। लेकिन जो कोई वैष्णव वहां पर जाए, जब उनकी चरण को स्पर्श करे तीर्थ को, वो भक्त सारे पाप को ग्रहण कर लेता है, फिर तीर्थ को फिर तीर्थ को प्रदान करता है, फिर पापी लोग आकर उसमें स्नान करके पाप से मुक्त होते हैं। इसलिए भगवत कथा में अगर कोई स्नान करेगा तो वो स्वयं ही तीर्थ बन जाएगा और ये तीर्थ को भी ये पवित्र करेगा। कौन है? जो ये कथा रूपी गंगा में स्नान कर ले, वे सारे तीर्थ में बैठ बैठ कर कहीं जाने का हमें जरूरत नहीं, कथा स्वयं गंगा भक्त कवर्तियां बना। इसलिए कहते जहां पर ये कथा होती है वो सारे तीर्थ आप एक मन पर निवास करते हैं। इसलिए जिस समय चतुसन में कथा करने के लिए गए, कौन कौन कथा सुनने के लिए आए? बोले पहले तो वैष्णव लोग दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि ये भागवत है, जब वैष्णव नाम प्रियम, ये भागवत वैष्णव का धन है। पहले वैष्णव लोग आए, और कौन आए? जो स्वर्ग से देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आए। बोले और कौन आए? वह वशिष्ठ, पराशर, व्यास, नारद, ये सारे ऋषि भी कथा सुनने के लिए आए। बोले और कौन आए? बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वो सब के सब आए। बोले और कौन आए? बोले गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी आए। बोले और कौन आए? जिसने दंडकारण्य बन भी वहां पर आए, वो सबके सब वहां पर कथा सुनने के लिए आए। और जिस समय चतुसन ये कथा करने जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पारिजात पुष्प की बौछार और धुंध भी बजाए, शंख बजाए, नगड़ा बजाए और भागवत कथा की जय जयकार करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। इसका मतलब है जहाँ ये भागवत कथा होती है ना, कभी सारे देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी प्रसन्न होकर के ये कथा की जयगान करते हैं, हैं? मतलब कथा की इतने महत्व, कथा की इतने कथा की महत्व। और ये कथा सुन करके भक्ति की जो दो बेटे थे, एक ज्ञान और एक वैराग्य, भक्ति के ये दो बेटे कौन है? ज्ञान दया, मतलब क्या है? अगर इसको भगवान की भक्ति करना तो आपको दो बेटे होनी चाहिए, अगर दो बेटे नहीं होगा ना भक्ति नहीं कर सकते। यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया ज्ञान से क्या भगवान मिलते हैं? ज्ञान से ठाकुर नहीं मिलते हैं। क्या वैराग्य से भगवान मिलते हैं? बोले नहीं मिलते हैं। पर भक्ति के लिए दो बेटे कैसे हो? ये जो ज्ञान है ये भक्ति युक्त ज्ञान है, जो भक्ति को बढ़ाने वाले ज्ञान, ये निराकार निर्विशेष, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, हाँ? जो जीव को ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा वो ज्ञान नहीं है, ये भक्ति को बढ़ाने वाले ज्ञान। और यहाँ पर जो योग है, हाँ? ज्ञान वैराग्य है, ये जो वैराग्य है ये विशेष पूर्वक अनुराग, ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब वो शुष्क वैराग्य नहीं,
इसलिए वैराग्य चार तरह का होता है, पांच तरह का वैराग्य है। एक है भरकट वैराग्य, मतलब बंदर जैसे है, यहाँ बंदर है नहीं, वृंदावन में बहुत सारे बंदर है, बंदर का वैराग्य। आप बंदर को देखना भी घर मुका नहीं, नंगे रहते हैं, जो फल फूल मिलता वही खा लेते हैं, लेकिन ऊपर से दिखते हैं बड़े वैराग्य, बड़े कामी, बड़े लोभी, वहाँ तो कोई चश्मा पहन कर जा नहीं सकते। और कोई कोई चीज आप झोला में ले जाओगे ना, रास्ते में छीन ले जाओगे तो है, ऐसे नहीं। ऊपर देखने के लिए वैराग्य, अंदर भी होगी। दूसरा वैराग्य फल्गु, एक नदी होती है, ऊपर से देखो रेती रेती, लेकिन थोड़ी सी रेती हटाओ अंदर में पानी की प्रवाह, मतलब क्या, ऊपर में तो वैराग्य है लेकिन अंदर में भोग की वासना। तीसरा जो वैराग्य है शमशान वैराग्य, जो व्यक्ति मरते समय जो व्यक्ति उसको ले जाते हैं जलाने के लिए, थोड़ी समय के लिए उसको वैराग्य होता है। देखो इतने बड़े व्यक्ति था, कुछ भी लेकर नहीं गया, सब छोड़ कर गया, बच्चों से संचार होता है। ले जाते समय बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मतलब जगत में सत्य तो क्या है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए वो व्यक्ति जब उसको जला करके आता है ना, बोले अभी घर में जाकर के और इससे बात नहीं करूँगा, बास बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो बैठ कर केवल भजन ही करना, संसार में कोई रिश्ता नहीं जुड़ा संसार, लेकिन बात घर में आते ही बीवी जब थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेंगे और नाती पोती बच्चे आकर पापा पापा बोल कर बोल भरो चल जाए, हाँ धीरे 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 सारे बाजार भी खत्म, हाँ सारे बाजार भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। चतुर्थ वैराग्य है प्रसव वैराग्य, मतलब है माताएं जो बच्चों को जन्म देती है ना, बड़ा कष्ट बना रखता है, प्रसव देते समय सोचती हैं और नहीं और संसार नहीं, फिर जब बच्चे का मुंह देखते हैं फिर धीरे 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 उसको भी भूल जाते हैं, इसको प्रसव वैराग्य होता है। बल्कि ये वैराग्य से काम नहीं चलेगा, हमें वैराग्य चाहिए युक्त वैराग्य, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट कर्म से, मतलब है ये शरीर निर्वाह के लिए हमें जितने जरूरत है, पहनने की जरूरत है, खाने के लिए जरूरत है, रहने के लिए जरूरत है, ये शरीर निर्वाह के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें जितने जरूरत ग्रहण करना है, ठाकुर जी की सेवा के लिए जरूरत है इसको, और जो कुछ करे भगवान की सेवा के लिए सब कुछ है। स्नान करे तो क्यों, बोले शरीर पवित्र होगा ठाकुर को तो तभी तो सेवा करेंगे, कपड़ा पहने तो बोले अच्छे कपड़ा पहने कर तो तब सेवा कर सकते, गंदे कपड़े पहने करे सेवा कैसे करे। इसलिए जो कुछ करे भगवान को साथ में जोड़ते हुए संबंध को साथ में सारे काम को हमें करनी चाहिए, इसको बताया युक्त वैराग्य। इसलिए भक्ति की दो बेटे हैं, कौन कौन है, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है, मतलब जब तक ये दो बेटे नहीं होगा ना फिर भक्ति रोएगी, ये भक्ति सुखी नहीं रहे रोएगी, मतलब हमें भक्ति युक्त ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्णदास के वैराग्य गोस्वामी तीन तरह का भक्त का नाम लिया है, एक उत्तम एक मध्यम और एक कनिष्ठ, तीन तरह का भक्त है। कहते हैं ये कनिष्ठ भक्त कौन है, बोले कनिष्ठ भक्त वह है भक्ति तो करता है लेकिन भक्ति बड़े डामा डोलसा है, भक्ति कर रहा है अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर हाँ कोई बाधा विपत्ति आए ना, भले किसी चीज को नहीं छोड़े, पहले माला छोड़े, खाना नहीं छोड़ेगा, पहनना नहीं छोड़ेगा, घूमना नहीं छोड़ेगा, पहले वो माला ही छोड़ देगा। और भगवान ऊपर शायद दोष, भगवान का इतना भजन करता हूँ, ठाकुर जी मेरे साथ में यही किया है, हैं यही किया है, पहले अपना माला छोड़ देगा। कहते जो मध्यम भक्त कौन है, कहते अपना भक्ति को पुष्ट करके अपना भक्ति में एकदम स्थित है, भले ही जीवन में जो कुछ आ जाए बाधा विपत्ति जितने आ जाए लेकिन अपना भजन कभी नहीं छोड़ता है, जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं, 22,000 पिटाई हो गई, 22,000 में पिटाई हो गई, तो क्या कहते हैं ठाकुर जी बड़े दयालु है, मैंने इन्हीं कानों में भगवान का नींदा सुनी है ना, इसलिए ठाकुर जी
केवल हम बड़े थोड़ी सी दंड देखकर कुंभ को छोड़ दें। ये ठाकुर जी की मेरे ऊपर विशेष कृपा से ठाकुर जी को, लेकिन अपना भजन नहीं छोड़े। उन्होंने भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, दोष किसको पर लगाया, अपना ऊपर उन्होंने दोष लिया। अपना भजन को एकदम परिपक्व ठीक से कर लेते हैं, कहते उत्तम भक्त को नहीं, कहते अपना भजन भी अच्छे तरह से कर लेते हैं और भगवत कथा को द्वारा ज्ञान को द्वारा उसने दूसरों को भी भगवत भजन को लगा, स्वयं भक्ति में पुष्ट रहे और दूसरों को भी समझा करके उनको भी भगवान की भजन में जो लगा दिए, कौन श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए यहाँ ज्ञान मतलब है भक्ति युक्त ज्ञान होनी चाहिए, हैं? जिसको जितने भक्ति की तत्व जिसको पता उसका भक्ति उतना दृढ़ है, इसलिए ये ज्ञान। और दूसरा कौन बेटा है, बोलिए वैराग्य। यहाँ वैराग्य मतलब है ऊपर का तो वैराग्य होनी चाहिए, लेकिन उसको साथ साथ में भगवान के प्रति प्रेम भी होनी चाहिए, अनुराग भी होनी चाहिए। तब ये भक्ति के लिए दो बेटे, अगर ये दो बेटे पुष्ट नहीं हो ना, फिर अंदर में जो भक्ति है ना वो रोती रहेगी, ये भक्ति सुखी नहीं रहेगी, दुखी रहेगी। मतलब क्या, उसका जो भक्ति है ना दृढ़ होती नहीं होगी, और डामाडोल सा भक्ति होगी, कभी भजन करेगा कभी भजन छोड़ देगा, कभी हरिनाम में रुचि नहीं आएगा, कभी हैं कभी भगवान के भजन में अच्छी नहीं लगती, उसका जो भक्ति वो उठता कभी उठेगा कभी नीचे आएगा, कभी उठेगा कभी नीचे आएगा। इसलिए लेकिन ये जो ज्ञान वैराग्य ये जवान कैसे हुए, ये जवान कैसे हुए, लेकिन जो भागवत कथा सुने, भागवत कथा सुने तो ये दोनों एकदम जवान हो गए। और जो भागवत कथा सुने ज्ञान वैराग्य अक्सर करके ये सूखे होते हैं, है ये दोनों ही बड़े सूखे होते हैं, लेकिन भागवत कथा में इतने रस है, उसमें इतने आनंद प्रभु की भक्ति में ये सब के सब नाचना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया। सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए, गोलोक वृंदावन से राधा कृष्ण प्रकट हो गए, और वहां पर अर्जुन उद्धव सबके मजीरा मृदंग बजाते हुए सब के सब कीर्तन कर रहे थे, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा।
भागवत कथा वृता मुखी भागवत कथा में ज्ञान वैराग्य पूरा पुष्ट हो गए नाचने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम साथ में ये भागवत कथा सुने ना, आप देखना हमारी जो भजन है एकदम पक्की हो जाएगी। हाँ, जो भक्ति की जो दो बेटे एक ज्ञान और वैराग्य ये एकदम पुष्ट हो जाएगी। मतलब है हमारी अंदर में प्रभु की इतने प्रेम जगेगा, इतने प्रेम जगेगा, सात दिन कथा सुनोगे तो आपको लगेगा जैसे नया जीवन मिल गया। मतलब हरिनाम में रुचि हो जाएगी, भगवत कथा में रुचि हो जाएगी, ठाकुर जी के सेवा में रुचि हो जाएगी। बस फिर भक्ति देवी क्या करेगी? भक्ति देवी नाचने लग जाएगी, क्योंकि दो बच्चे जब पुष्ट हो गए बस खुश हो जाएगी। हमारे दो बेटे एकदम जवान हो गए हैं। इसलिए ये भागवत कथा की इतने प्रभाव थी, वहां पर जितने लोग कथा सुन रहे थे सभी के लिए गोलोक वृंदावन से रखा गया। वहां तक भी जितने पशु पक्षी थे और जितने कीड़े मकोड़े थे ना, ये भागवत कथा से उनको भी भगवत प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। मतलब भगवत कथा में इतने महिमा है, सभी के लिए रखा गया और सब ठाकुर के पास में चले गए। जब कथा समाप्त हो जाएगी ना, हम सबके लिए भी एक एक रथ आएगी। ध्यान से सुन रहे कि नहीं? हम सबके लिए भी एक एक रथ आएगी हमें ले जाने के लिए। अब बताओ तो रथ आएगी तो कौन कौन जाएगा वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में? बताओ भाई, बोले सही सही बताओ, झूठ मत गाओ। कौन कौन जाएगा? सबके सब जाओगे? ऐसे नहीं, सचमुच से रथ आ गया आप सब भाग जाओगे। दुर्गा की बेटी की शादी नहीं हुई, अरे बच्चों को कौन देखेगा, पति को भोजन कौन खिलाएगा? हम बैकुंठ नहीं जाएंगे भैया। हाँ, सचमुच से रथ आ गया ना, यहाँ सब खाली हो जाएंगे। हाँ, देखो कोई चिंता मत करो, हैं? तब तक ये रथ नहीं आएगी जब तक ये कथा सुन करके ठाकुर जी के चरण में हमारे प्रेम नहीं हो जाए। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है ना? इसलिए कहती है कथा दो पुराण में आती है, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। आज हम थोड़ी सी स्कंद पुराण की कथा सुनेंगे। स्कंद पुराण की कथा बहुत प्यारी कथा है। और जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए, मैया कुंती को जब पता चला कृष्ण संसार छोड़ दिए, उसी समय में ही उसने संसार को त्याग दिया। बोले क्यों? बोले जहाँ भगवान कृष्ण ही नहीं रहे, फिर वहां रह करके हमारी क्या लाभ? फिर पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही चले गए, फिर रह करके क्या लाभ? ये पांडव भी संसार को त्याग दिए। हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज ने बनाए, इधर इधर कुछ समुद्र और बीच में इधर एक पुस्तक, थोड़ी सी सरकार थोड़ी सी इधर एक पुस्तक इधर देखो। इसलिए जब श्री पंच पांडव भी संसार त्याग दिया, युधिष्ठिर को राजा बना दिया हस्तिनापुर, और श्री बज्रनाभ को उन्होंने राजा बना दिए वहां पर, फिर उसे वृंदावन में राजा बना दिए। अब ये दोनों दोनों देश में ये दोनों राज्यों को कर रहे थे। एक दिन श्री परीक्षित महाराज श्री बज्रनाभ से मिलने के लिए वृंदावन में आए और बज्रनाभ से पूछे, बेटा तुम सब कुशल मंगल है ना? बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा मन बड़ा उदास है। बोले क्यों उदास है? बोले वृंदावन में कोई है नहीं। जैसे भगवान जब राम की जगह को छोड़ कर गए, पूरा उन्होंने अयोध्या वासियों को लेकर गए थे, पूरा सारे अयोध्या वासी चले गए। उसी तरह जब कृष्ण गए, वहां के जितने थे सबको, जसोदा मैया गोप गोपी, यहाँ तक भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तक भी भगवत गति को प्राप्त किया। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन के जितने कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ये कोई साधारण नहीं, ये सबके सब कृष्ण सेवा, ठाकुर जी की ये सेवा करते हैं।
इसलिए सबको लेकर के ठाकुर जी चले गए। अभी कोई है नहीं बंदा, बोले कोई प्रजा ही नहीं है, मेरा मन बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं नहीं है, अभी भी पूर्ण रूप में इसी संसार में है। लेकिन ये रहस्य को कौन जानता, सांडिल्य ऋषि को इशारा रहस्य को। तब उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप कृपा करके श्री परीक्षित को ये वृंदावन की तरह महिमा में ये वृंदावन धाम किया। तब से सांडिल्य ऋषि कहते हैं बज्रनाथ कृत वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते से गिरा दे रहा है। ये वृंदावन धाम साधारण भूमि नहीं, इसलिए चिंतामणि प्रकर सदम सुकल वृक्ष, यहाँ का जो धूल है वो चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो माँ को भूल देते। कहते यहाँ के वृक्ष क्या, बोले कल्प वृक्ष, तो जिस वृक्ष को नीचे बैठ करके आप जो सोचोगे वही तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले वहां के पानी कैसे, बोले पानी नहीं अमृत है। बोले यहाँ की कथा, वहां अगर कोई बात करता है लगेगा जैसे बड़े सुंदर कोई मधुर स्वर से कीर्तन गा रहा है, अगर वृंदावन में कोई चलता है ऐसे लगेगा जैसे बड़े सुंदर नृत्य कर रहा है, बड़े सुंदर नृत्य कर रहा है। बोले वहां पर गया नहीं, सबके सब काम थे, इसलिए कहते वहां की जो वृक्ष है इसका महिमा कोई नहीं जानता है, तो दाल दाल और पत्ते पत्ते से राधे राधे हो रही। इसलिए वृंदावन में जाना देखना सबके सब क्या बोलते हैं, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। हाँ, वहाँ के सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले क्यों, बोले राधा रानी बड़ी दयालु है, राधा रानी बड़ी कृपालु है, राधा रानी है। इसलिए बोले देख बेटा भगवान की दो तरह का लीला है, एक तो व्यवहारिक लीला और एक वास्तविक लीला। व्यवहारिक लीला में जैसे दिखता है कृष्ण ये संसार छोड़कर के चले गए, लेकिन जो असली लीला बोले कृष्ण कहीं नहीं गए। इसलिए बताए कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर के एक कदम भी कहीं वृंदावन से मैं बाहर कभी नहीं जाता हूँ, नित्य वृंदावन में निवास करता। लेकिन हमें दिखता नहीं क्यों, हमें फिर क्यों नहीं दिखता है? बल तभी दर्शन करोगे जब इन आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाओगे। लेकिन हमारे आंखों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इसलिए हमें ये वृंदावन की असली रूप हमें अभी दिखता नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले प्रेमांजन छुरी कर भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्तं जं श्याम सुंदरं अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदं मादि पुरुषं तमः भजामि। ये ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु कि जो वृंदावन धाम में प्रेमांजन छुरीत भक्ति विलोचन, भक्त लोग हर समय अपना आंखों में आपकी प्रेम रूपी काजल को लगा करके रखते हैं, इसलिए क्या देखते हैं हर समय आपको दर्शन करते रहते हैं। सदा हृदय सुविलोकयन्ति, हृदय में हर समय तेरे झांकी को ये दर्शन करते रहते हैं। इसलिए बोले हे बज्रनाथ, इसलिए हमें दिखता नहीं, लेकिन अभी कृष्ण कहीं गए नहीं। वृंदावन कौन कौन गए हो, हाथ उठा दो, कौन कौन वृंदावन गए, एक दो तीन चार पाँच, और कौन जाना चाहते हो हाथों का, कौन जाना चाहते हो, सबके सब जाना चाहते हो, सबको हम ले चलेंगे वृंदावन, ठीक है ना, कोई चिंता मत करो। इसलिए देखना वृंदावन में दो बहन है, एक निखुज वन और एक निखु वन, ये दो वन में शाम को रोज वहाँ ठाकुर को फूल की सज्जा लगती है, और वहाँ लोटे में पानी लड्डू रख लेते हैं, तांतन रख लेते हैं, हैं, और वहाँ पर बड़े बंदर है। आप देखना वो शाम होते ही ये सारे बंदर अपने आप निकल जाते हैं, उनको निकालने का जरूरत नहीं, ये बंदर अपने आप निकल जाएंगे, और ठाकुर जी को वहाँ मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन जब सवेरे मंगलारती में आते हैं वो ऐसे लगेगा जैसे इसको किसने लेट कर गया है, फूल सज्जा में कभी लड्डू नहीं मिलेगा, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगा, अगर कोई जोर जबरदस्ती रुक जाएगा
बोले देखना चाहता हूँ ठाकुर जी क्या कहते हैं, वो नहीं तो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो वो मर जाता है। इसलिए उसको पास में अपना मंदिर है, मैंने दो घटना देखा है, एक व्यक्ति को गुंगा होते देखा और एक माता जी को मरते हुए हमने देखा, हम स्वयं देखा है। इसलिए जिनको ये विश्वास नहीं होता है, अरे भगवान भगवान कौन देखा कौन जानता है, एक बार वहां जाकर रह करके आ जाए, फिर उसको अपने आप पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं है, हैं? इसलिए अभी भी वृंदावन में भगवान अभी भी लीला करते हैं। ठाकुर जी, ठाकुर जी कहीं नहीं गए। आप तो हमारी संप्रदाय के हैं, आप श्री श्यामानंद प्रभु का नाम जानते हो, पहले इनका नाम था दुखी कृष्णदास, क्योंकि ये जन्म होने से पहले सारे संतान शरीर छोड़ देते थे, जब कोई इधर संता आए उनको माता जी आशीर्वाद मांगे, बोले इस बार तुम्हारी संतान मरेगा नहीं, लेकिन एक काम करना, जब तुम्हारी संतान होगा तुम बोल देना ये संतान को हम ठाकुर जी की सेवा में देते, फिर बच्चा मरेगा नहीं। सचमुच उससे बड़े सुंदर संतान जन्म दिया, बड़े दुख से संतान जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम रख दिया दुखी कृष्ण, दुखी दुखिया। उन्होंने बताया था मैं संत की सेवा ठाकुर की सेवा में दे दूंगी। जब बच्चा बड़ा हुआ बोले बेटा जाओ अपना गुरु जी के पास में चले जाओ, गुरु जी जब उसको दीक्षा मंत्र दिए उसका नाम रख दिया दुखी कृष्ण। बोले देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, इसलिए सेवा करनी चाहिए। देखो सेवा करने का बड़ा महत्व है, जब आप इसकी सेवा करोगे ना तभी आशीर्वाद मिलता है, हैं? जब तक हम सेवा नहीं करेंगे आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो बेटा जाओ रोज ये निधुवन निकुंज वन में रोज झाड़ू लगाया करता है, वो रोज झाड़ू लगाता है और राधा जी के नाम को ले लेकर के रो रो करके बोले हे राधे कब ये पापी को ऊपर में अब कब मेरे को कृपा करोगे, कब मेरे को दर्शन दोगे। तब राधा रानी जान बूझ करके उसको दर्शन देने का लोभ से है उन्होंने जान बूझ करके चरण की जड़ भूर छोड़ कर गए। जब ये संत सवेरे सवेरे गए घना घोर जंगल में एकदम सोने की सुंदर नुपुर देखने को मिला, बोले जंगल में नुपुर कहाँ से आया, अपना सर पर लगाए श्री जीव गोस्वामी को पास मिलाए, बोले गुरु जी मेरे को ये सोने की नुपुर मिली। जीव गोस्वामी तो साधारण थे नहीं और राधा जी की सखी है, बोले बेटा ये राधा रानी ने तेरे को दर्शन देने का बहाना बना करके नुपुर छोड़ कर गए, जिसको जिसको देना नहीं, अगर कोई आए ना बोलना जिनका नुपुर वो स्वयं आए अपने हाथों से चरण में पहना दूंगा। इतने में ललिता भी साथ आए, बोले बाबा बाबा हमारे घर की बहू यहाँ पर आई थी फूल चरण करने के लिए, कहीं चरने के नुपुर कहीं घूम गया, तेरे को मिला है, बोले हाँ, बोले दे दो, बोले जिनकी चरने की नुपुर वो स्वयं आए मैं अपना हाथों से पहनाऊंगा। ललिता विषय का परीक्षा कर गए, तो बोले तू कैसे साधु हो, ये घर की बहू तू ब्रह्मचारी और कहते हो हमारे घर की बहू को पैर में नुपुर पहनाओगे, शर्म नहीं लगता है, अच्छा चाहते तो दे दे। बोले भैया जो कुछ बोलना बोल दो, मैं तो अपना हाथों से चरण में पहनाऊंगा। राधा रानी तो कृपा करना चाहती है, राधा जी बोले एक काम करो उसको बोल दो आंखों में काला पट्टी बांध ले फिर मैं आऊंगी। फिर राधा रानी स्वयं आती और अपना हाथों से राधा जी के चरण में उन्हें नुपुर पहनाए। बोले हे राधे आप जब इतने दूर तक आप कृपा की हो मुझे दर्शन भी दे। राधा रानी आंखों से काला पट्टी खोल दिए है तो उन्हें राधा जी दर्शन दिए, हैं? राधा जी को दर्शन करते हुए प्रेम में मूर्छा हो गए। फिर राधा रानी सर पर हाथ रखे, फिर उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की, बोले मनीन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारे प्रसन्न भद्र पंकजे निकुंज मोहि लासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संकते सदा चले सीरमा विभाष पल्लव
उसको जो तिलक लगाते हैं ना, ये तिलों को बीच में अपना नुपुर से उन्होंने उनको तिलों को बीच में एक भोग लगा दी। अभी भी आप वृंदावन में जाओगे वहां पर श्री श्यामानंद गुरु का मंदिर है जिसका नाम राधा श्याम सुंदर। अब देखना ठाकुर जी तिलक लगाए और उसको बीच में एक बिंदु है, काला बिंदु ठाकुर जी लगाते हैं। अभी भी ठाकुर जी तिलक लगाते हैं। देखो तिलक लगाने का ना बड़ा महत्व है, हम सबको तिलक लगाना चाहिए। आप लोग तो भारत के लोग हैं, देखना जैसे आप कोई अच्छे काम पर जा रहे हो, कोई बिजनेस कर, क्या कहते हैं उसको, तिलक लगाकर व्यस्त रहेगा। ब्राह्मण जैसे पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा पूजा नहीं करता है। बोले क्यों? बोले तिलक के बगैर जो पूजा है ना वो निष्फल हो जाती, ये निष्फल हो जाती है। आप लोग तो हिंदू घर की लड़की है, जैसे आप लोग सिंदूर लगाती है ना, सिंदूर लगाते हो, मांग करती हो, क्यों? ये सुहाग का लक्षण, ये सुहाग का लक्षण है कि जगत का पति के लिए तो हम इतने सुहाग भर लिया, लेकिन जो हमारी असली पति है, जो जन्मांतर के पति है, इसलिए मीरा कहती है ऐसे वर को क्या वरे जो जन्म और मर जाए, वर भई हो गोपाल दूसो जो चुड़ल अमर हो जाए। ये कहते हैं ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी, सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, है ना। इसलिए ये तिलक लगाने पर ना ये ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। जैसे एक ना पतिव्रता नारी जैसे अपना श्रृंगार करके बड़े सुंदर सज करके श्रृंगार करके जब पति को सामने आती है, पति खुश हो जाती है ना, पति खुश हो जाती है। ये तो ऊपर का श्रृंगार की दुनिया पति के लिए, लेकिन यहाँ पर जो जन्म जन्मांतर के पति, जो असली पति है, उसके लिए क्या लगाते हो? इसके लिए हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। वो तीन चीज क्या है, एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप इंडिया जाओ, जैसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाओ, आपके पास में तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर होना चाहिए पासपोर्ट, दूसरा नंबर होना चाहिए वीजा, और तीसरा नंबर होना चाहिए टिकट, है ना। खैर तो आप इसी जगत में अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, इंडिया जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, ये तीन चीज की अपनी जरूरत है। बगैर ये तीन चीज के नाम कहीं जा नहीं सकते हो। साधारण इसी जगत में ये तीन चीज की जरूरत है, और ठाकुर के पास में जाना तो वहां जाने के लिए भी हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। पहला चीज क्या होनी चाहिए, पासपोर्ट हो। बोले पासपोर्ट किया, बोले गले में तुलसी की घंटी, गले में तुलसी की घंटी। ये तुलसी कोई साधारण नहीं, लकड़ी नहीं, ये तुलसी माँ लक्ष्मी स्वयं है। हाँ देखना सालग्राम के साथ में शादी कराते हैं, ये माँ लक्ष्मी स्वयं गले में निवास करती है। और भगवान कल हम सुन रहे थे ना, कलयुग में भगवान चार जगह में निवास करते हैं, इसमें एक तुलसी है। हम कहते वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले वृंदावन में भाग्य बिहारी। बोले मतलब क्या है वृंदावन? वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब होता है वन, मतलब जहाँ तुलसी की वन वहीं पर ठाकुर जी। इसलिए गले में कंठी मतलब कौन हो गए? लक्ष्मी नारायण के निवास हो गए, ठाकुर का निवास हो गए। इसलिए गले में कंठी होनी चाहिए। इसलिए श्री जम महाराज उनको दूतों को बोले, बोले देखो जो भगवान की भक्ति नहीं करते है ना, उनको पकड़ करके घिसट दो, ये मेरे पास में ले आओ। जमदूत बोले हमें पता नहीं चलेगा, जो भजन करता नहीं करता हमें कुछ तो बता दो। बोले देखो दो तरह के कुत्ते होते हैं यहाँ पर, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते है ना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते, उसको कुछ नहीं बोलते।
और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड घूमते हैं, देखना फालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को छोड़ता नहीं। अगर हमारी गले में तुलसी कटी, हम किसकी पालतू है? भगवान की पालतू है। ये स्वयं जब महाराज कह रहे हैं, जिसकी गले में तुलसी कटी देखोगे समझ जाना ये भगवान की है। हैं? देखना रास्ता में अगर ज्यादा कुत्ते हो गए ना, सरकार अर्डर देते तो मार दो इनको, बदबू को मार दो। अगर भूल से किसी पालतू कुत्ते में लग जाए ना, कैसे हो जाता है? बोले हमारे कुत्ते कैसे मारे? इसका मतलब है जिनकी गले में कंठी है ना, कभी भी जमदूत आग उठा करके नहीं दिखेगा। क्यों? समझेगा भैया ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी की भक्त है, आपको प्रणाम करेगा, आपको वो प्रणाम करेगा। अगर कोई गंदा काम करे कहते जम नहीं विचार कर सकते है, उसका विचार ठाकुर करेंगे, भगवान करेंगे उसको विचार। इसीलिए गले से कभी भी कंठी नहीं उतरनी चाहिए। और जैसे हम गुरु जी से हाथ से गले में कंठी लेते हैं, जब गुरु जी को हाथ से एक बार गले में कंठी पहन लिया, गुरु जी कहते थे अगर गले से किसी कारण से कंठी अगर उतर गया तो जब तक दो बार कंठी मत पहनो, पानी भी नहीं पीनी चाहिए, गुरु जी मना करते थे। क्योंकि जैसे हम गुरु खाते है ना, जैसे खाते हैं, अगर गले में तुलसी कंठी हो उसको टच करते हुए अंदर में जाता है, पवित्र हो गए। देखना ठाकुर जी को जितने जो कुछ भोग लगा दो, छापान भोग 36 व्यंजन, लेकिन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं। जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते हो, ठाकुर कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इसका मतलब है अगर हमारी गले में कंठी नहीं, पर ठाकुर के लिए हम खाना कुछ बना नहीं सकते। अगर गला में कंठी नहीं कोई चीज बनाए ना, अपवित्र हो गए, और ठाकुर खाए नहीं, उनको सामने रखने पर भी ठाकुर नहीं देते। बोले क्यों? बोले तुम्हारी अपवित्र शरीर, अंदर में टाटी पेशाब खून पी कर कुछ है ही नहीं गले में शरीर, इसको फाड़ के रख दो, पेट को सब भाग जाए यहाँ से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं खिति जल अपार होकर गगन में समीरा पंच रचित, ये अधम शरीर आ, ये अधम शरीर इसको बताया। हाँ, ये अधम है और कुछ नहीं है, पांच चीज से बना हुआ है, क्या? मिट्टी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये अधम शरीर, ये शरीर ठीक है ना। पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए गले में कंठी, दूसरे नंबर में वीजा होनी चाहिए, वीजा क्या होगी? तिलक है, वीजा ये तिलक है। देखो हम जो तिलक लगाते हैं ना, ये साधारण तिलक नहीं, ये गोपियों की जन्म तो कहाँ से आती है, ये द्वारका से आता है, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं नारद जी ब्रज से ये धूल लेकर गए, भगवान द्वारका में भगवान को स्नान कराया गया, कृष्ण स्वयं इसमें स्नान किया। अब कहीं भगवान का कहीं तस्वीर देखो, कृष्ण को देखो, महाप्रभु को देखो, राम को देखो, नारायण को देखो, तिलक है कि नहीं? ठाकुर भी स्वयं तिलक धारण करते हैं, और ये जो तिलक है उद्धरपुंड मतलब है जो हमें भगवान तक ले जाते हैं, ठाकुर तक जो तिलक, ठाकुर जिससे उसको उद्धरपुंड कहते हैं, ये भगवान की मंदिर है। जैसे हम भक्तों का चरण धूली लेते हैं, ये जो जो तिलक है ये भक्तों का चरण धूली, ब्रजवासियों का चरण धूली, अत्यंत अत्यंत पवित्र वस्तु। ये हो गया वीजा, और तीसरा नंबर क्या होनी चाहिए? टिकट होनी चाहिए। टिकट जाने के लिए टिकट था, पैसा चाहिए तब तो टिकट मिलेगा। बोले पैसा क्या होनी चाहिए? बोले भगवान का नाम, भगवान की नाम होनी चाहिए। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोल जन दी मेरे सदा गुरु, वास्तु अमोल जन दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनाए पायो जी मैंने राम टिकट है। बस अगर ये टिकट हो ना, इसलिए देखना हमारा भारत में जो शरीर छूटता है यही बोलते बोलते ले जाते, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल देते है सब कोई बात, ये बोलते ना बेटा जितने तुमने हरि का नाम लिए हो
भगवान नाम लिए हो, तेरे साथ में यही जा रहा है, वही धार तुम्हारे साथ में जा रही है, और यहाँ से कुछ तेरे साथ नहीं जा रहा, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही, तीन चीज होनी चाहिए। इसलिए राधा रानी स्वयं उनको तिलक लगाए, हैं? राधा रानी स्वयं उसको तिलक लगाए। देखो ये महाप्रभु भगत है, ये ज्यादा ज्यादा साल के बाद नहीं, मतलब अभी भी अगर वृंदावन में कोई भजन करे ना, राधा रानी स्वयं आकर उसको दर्शन देती है। आप लोग नंदगांव गए हो, वहां पर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दो भाई थे, एक दिन श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आए। अगर रूप गोस्वामी सोचते हैं बड़े भैया बड़े दिनों से आए हैं, उसको खिलानी चाहिए, क्योंकि घना भर जंगल वहां क्या खिलाए कुछ नहीं, लेकिन इसकी इनकी इच्छा है इनको हम खीर खिलाए, भैया को खीर बहुत पसंद। तब राधा रानी स्वयं वहां पर दूध चावल मिश्री किशमिश काजू लेकर आती है, बोले बाबा बाबा लो खीर बना कर खिला खा देना, बोले लाली वहां रख लेना, हाँ लाली वहां रख लो। लेकिन उनकी कथा ही समाप्त नहीं हो रही थी, फिर राधा रानी घूम फिर करके आई, बोले बाबा मैं खीर बना देती हूँ, तुम कथा आपस में कथा करो। राधा रानी स्वयं खीर बना कर, बड़े देर में जब कथा समाप्त हुई, बोले कोई लाली आई थी, बोले खीर बना कर गई। तब श्री रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण को तुलसी पता दे गए, भोग लगाए, और जो बड़े भाई सनातन गोस्वामी को खिलाए, खीर तो जीवन में बहुत खाए, लेकिन ये खीर किसने बनाई? राधा रानी स्वयं। किसको भोग लगाए? कृष्ण को लगाया। किसने? रूप गोस्वामी, इतने बड़े साधु भोग लगाया, तो समझो वो खीर में कितने स्वाद नहीं होगा, उसमें कितने रस नहीं होगा। जब श्री रूप गोस्वामी खीर खाए ना, उनका तो रोम सनातन गोस्वामी को रोम रोम खीर उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई, तो क्या स्वाद है खीर में, ऐसे खीर हम कभी खाए नहीं, कभी ऐसे खीर है। इतने में बोले रूप तुमने मन में कोई चिंता किया था? बोले हाँ मैं तो सोच रहा था आप बड़े दिनों में आए हो, आप तो हम खीर खिलाए। बोले भैया ये घना घर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझेगा, और यहाँ पर खीर बना करके खिलाए, ये खीर खा कर देख कैसे स्वाद है। वो जो छोटी बालिका थी ना, और कोई नहीं वो सिर्फ राधा रानी, ये राधा रानी ने ये खीर बना कर गए। बोले खबरदार, कहाँ राधा रानी की सेवा करनी चाहिए और राधा रानी हमारे उल्टा सेवा करके यहाँ पर गए, खबरदार कभी इस मन में भावना नहीं लाना है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जो रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, एक दिन जेठ की महीना बड़ी कड़ी धूप थी, परिक्रमा करते करते थक गए, जब थक गए एक वृक्ष को नीचे लेट गए। इतने में कृष्ण बलराम दोनों भाई स्वयं आए, और कृष्ण इनके सर को अपना जंघे के ऊपर रख दिए, और बलदेव प्रभु अपना चुनरी से उनका छाया करके खड़े थे। हैं? जब उनकी होश आई, बोले सनातन बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वृंद बिहारी गुरु की जय, श्री गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय। हैं? तो उन्होंने बोले बोले तुम इतने क्यों कष्ट करते हो, अभी जरूरत नहीं इतना कष्ट करने का, सारा जीवन तो परिक्रमा लगाया, अभी वृंदावन में भजन करो नहीं, जब तक मैं रहूंगा तब तक परिक्रमा लगाऊंगा। भगवान क्या किया, बड़ी सुंदर बंसुरी बजाए, बंसुरी बजाए तो गिरिराज गोवर्धन पिघल गया, और उसको ऊपर में कृष्ण चरण का छाप रख दिए, गैया खुरा का छाप, उनकी लकुटी और बंसुरी की छाप रखे। बोले इसको अगर चार बार परिक्रमा करोगे गिरिराज परिक्रमा करने के फल मिलेगा, और रोज रोज उसकी चार बार परिक्रमा लगाते थे, चार बार उसकी परिक्रमा लगाया करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड श्याम कुंड को बीच बैठ कर भजन करते थे, राधा रानी स्वयं आकर के सर के ऊपर में चुनरी से छाया करके खड़ी रहती थी राधा रानी। सनातन गोस्वामी है जब उन्होंने मदन मोहन को रोज दर्शन करते थे, गुल्ली डंडा खेलते हैं, हाँ सखाओं के साथ में गुल्ली डंडा खेलते हैं, इसलिए जब सनातन गोस्वामी को साथ में आए, जो खाते थे वही भोग लगाया करते थे, बिना नमक के टिकिया आटा की, हाँ आटा की गोला। बोले सनातन तू तो कोई देता नहीं सब्जी और नमक, तो थोड़ा बहुत दिया कर। बोले आज बोलो नमक ला, फिर कल बोलो थोड़ा सब्जी दे दो,
फिर बोलो मेरे साथ दूध देना तो अच्छा आता, कुछ देर बाद में फिर देखो थोड़ी सी मिश्री दो, फिर बोलो थोड़ा मिठाई दो, फिर बोलो थोड़ा मक्खन दो, तेरे बाबा के नल ला दिया था तभी तू घर में चोरी चोरी कर खाता, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, हाँ तभी तेरा पेट नहीं भरता था। इसलिए मैं साधु आदमी कहाँ से लाऊंगा भैया, मेरे बस की बात नहीं, अपना स्वयं व्यवस्था कर दो, अपनी स्वयं व्यवस्था कर दो। इसलिए हमने स्वयं व्यवस्था की। इसलिए श्री है यहाँ पर सांडिल्य ऋषि समझाते हैं, बज्र नाम बोले बज्र नाम कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है। हाँ अगर तू कृष्ण दर्शन करना चाहते हो ना, एक काम करो, बोले बताओ, बोले कृष्ण का जो लीला स्थली अंतर ध्यान होते जा रहे, भगवान की लीला स्थलियों को प्रकाश करो और ठाकुर जी को तुम स्थापन करो। तो उन्होंने जितने वृंदावन में हम जाते हैं ना, जितने सब कृष्ण का लीला स्थली उन्होंने प्रकाशित किया, और जितने ठाकुर वृंदावन में दर्शन करते हो इनके द्वारा स्थापित, इनके द्वारा स्थापित सारे ठाकुर जी है, इनके द्वारा स्थापित विशेष करके उन्होंने बहुत सारे विग्रह स्थापन की, लेकिन विशेष करके उन्होंने तीन ठाकुर को स्थापन किया, गोविंद गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। तीन ठाकुर को कहते हैं जो कृष्ण के गोविंद देव को दर्शन करेगा भगवान की मुखमंडल दर्शन करने का फल मिलेगा, जो भगवान की गोपीनाथ को दर्शन करेगा भगवान की बख्य स्थल दर्शन करने का फल मिलेगा, लेकिन जो मदन मोहन को दर्शन करेगा ठाकुर जी की चरण दर्शन करने का फल मिलेगा। लेकिन ये सबके सब ठाकुर अभी जयपुर चले गए, पहले वृंदावन में थे कि मुसलमान राजा औरंगजेब जब आक्रमण की, राजा मान सिंह ने वृंदावन से सारे ठाकुर लेकर जयपुर चले गए, हैं ये सबके सब ठाकुर से जयपुर में। लेकिन अभी जयपुर में दो ठाकुर है, लेकिन एक ठाकुर आपको मिलेगा मदन, मदन मोहन करौली, बोले करौली क्यों चले गए, आप ध्यान देकर सुनो, ठाकुर जी कितने प्यारे हैं, ठाकुर जी कितने प्रेम के भूखे हैं। कहते राजा मान सिंह का एक बेटी थी, वो बड़ा कृष्ण भक्त है, वो अपना हाथों से ठाकुर जी को पूजा करना, श्रृंगार करना, ठाकुर जी का स्नान करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, वो सारे अपना हाथों से करती थी। अभी बेटी शादी के लायक हो गई, राजा उसको करौली में शादी करने का तय किया, राजा को साथ में जो देख बेटी दहेज रूप में जो देना मेरे को दुबाई तेरे को, लेकिन तेरी मन में अगर कोई इच्छा हो तुम बताओ। बोले पिताजी भले ही मेरे को कुछ दो और मत दो, ये ठाकुर जो मदन मोहन को मेरे को दे दो, क्योंकि बचपन से इनकी सेवा पूजा भक्ति में करते हुए आया हूँ, इनको साथ में बड़ा प्रेम हो गया, अब यही ठाकुर मेरे को दहेज रूप में दे दो। लेकिन ठाकुर का नाम ही बदल रहा हूँ, देखने में बड़े सुंदर थे ठाकुर जी, बोले देख बेटी तो और एक ठाकुर ले, लेकिन ये मदन मोहन को मत ले, बोले लूंगी तो इसको ही लेकर जाऊंगी, ये तो मैं शादी नहीं करूंगी, अभी बेटी को तो शादी देना ही है, बेटी तो पराई धन उसको देना शादी। बोले देख बेटी तेरे को मैं परीक्षा कर दूंगा, बोले क्या परीक्षा करोगी, बोले मेरे पास में जितने ठाकुर सबके सब उन्हें लाइन करके खड़े कर दूंगा, तुम्हारे आंखों के ऊपर में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा, और जिस ठाकुर को तुम स्पर्श करते हुए बोलोगे यही ठाकुर तो फिर वही ठाकुर मैं दे दूंगा। बोले कोई बात नहीं, अभी दूसरे दिन उसने सारे ठाकुर को लाए करे खड़े करते, बहुत सारे ठाकुर हैं, और इनको आंखों में काला पट्टी बांध दिए, और रात को जब ये राजकुमारी जब रात को सोई ठाकुर के पास में रो रो कर, ठाकुर जी तू मेरे प्रेम की बात जानते हो, हैं मैं तेरे को कितने प्रेम करती हूँ, बिना खिलाए खाना नहीं खाती, बिना सुलाए सोती नहीं, तेरे को रोज में श्रृंगार करती हूँ, लेकिन पिताजी कहते परीक्षा करके देखे मेरे को पता नहीं चलेगा। जब वे बेटी सो गई ना, ठाकुर की रात पाई सोचने में, बोले बेटी कोई चिंता मत करो, एक काम करना, जब आंखों में काला पट्टी बांध देंगे ना, तुम ठाकुर का शरीर में ऐसे हाथ लगा, और लेकिन जब तुम मेरे पास में आ जाओगी मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन ये रहस्य को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगे और मैं समझूंगा। सचमुच से दूसरे दिन ऐसे परीक्षा की, तो जब हाथ लगाते लगाते मदन मोहन को पास में आए, इतने में ठाकुर हाथ पकड़ रही थी, लेकिन ये चीज को कोई नहीं देख रहा था, कोई महसूस कर रही थी, ठाकुर मेरे हाथ पकड़ लिए। बोले पिताजी
मेरे को यही ठाकुर दे दो। राजा तो आश्चर्य में पड़ गए, भैया उनको पता किससे लगी मदन मोहन ने, बोले बेटी तेरी जीत हो गई, मैं फेल हो गया। इसलिए उनने दहेज रूप में ठाकुर जी को परोली ले गए। इसलिए भजन गाते हैं ना, है कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, आप भजन बोलना आता है आपको, आता है आपको बोलना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, भैया जसुदा की जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, जसुदा की जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते भगवान नाचते नहीं, रंग कुटिया जैसे तुम नचाते नहीं, अशोकम के सब कोई कहते भगवान आते नहीं, भगवान क्यों नहीं आते, लेकिन द्रौपदी जी से बुलाओ ना ठाकुर जरूर आएंगे। कोई कहते भगवान खाते नहीं, बोले भगवान खाएंगे कैसे खाएंगे, सबर के जैसे तुम खिला दे हैं, सबर के जैसे तुम। कोई कहते भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रजभूतियाँ जैसे तो सजा, भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान बड़े भक्त वत्सल है, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, अगर हम ऐसे भक्त बनेंगे ना ठाकुर हमारा लिए भी सब कुछ करेंगे। ठाकुर जी बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय दिनों के नाथ दयालु हो, न चुराए हो दिनों के नाथ दयालु हो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे पिताई गौर प्रेमानंदे सारे ठाकुर जी को उन्होंने स्थापन किया। एक समय श्री कृष्ण के जो 16108 पटरानियां थी, जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए लोग बड़े दुखी थे, लेकिन उन्होंने देखा जो कालिन जी मतलब जो यमुना वो बड़ी प्रसन्न है। बोले यमुने क्या तेरे को कृष्ण विरह नहीं है? हम तो कृष्ण विरह में बड़े दुखी है। कालिन जी कहती है राधा जी के आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्णा वृंदावन छोड़ रहे कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्णा पूर्ण रूप में। बोले ये रहस्य किसको पता? बोले उद्धव को, क्योंकि कृष्णा उद्धव जी को ही ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी। बोले उद्धव कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव श्री गिरिराज की तलेट में घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। बोले चलो हम सबके सब वहीं पर जाते हैं, वहीं पर जाकर के सबके सब कीर्तन की और कीर्तन का प्रभाव से श्री उद्धव जी जो घास बन करके वहां पर भजन कर रहे थे वहां उद्धव स्वयं प्रकट हुए। बोले हे उद्धव कृष्ण तुम्हें ब्रज में भेजे थे और तुमने ये ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, तुम भी कृपा करके हमें सांत्वना प्रदान करो, हम कैसे विरह से जीवित रहे। इतने में उद्धव जी ने कहा देखो मैंने यही प्रश्न मैंने कृष्ण को भी किया था, जब कृष्ण ये संसार छोड़ कर जा रहे थे उसी समय। बोले देखो अभी कृष्ण आने वाले नहीं, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? बोले 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। बोले 1 चतुर्युग कितना है? कली का जो परमा है आप लोग हिसाब लगाओ भगवान कब एक बार आते हैं। बोले कली युग का जो परमा आयु 1,04,32,000 साल, ये कली युग का परमा आयु। द्वापर युग का उसका 2 गुना कर दो 8,32,000। तृतीया युग को कली युग का 3 गुना कर दो और सत्य युग को कली युग का 4 गुना कर दो। अभी ये जितना हुआ उसको मिलाओ, उसको एक महायुग कहते हैं। ऐसे 71 महायुग में एक मन्वंतर होता है और 14 मन्वंतर में ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा का एक दिन में ही हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। इसलिए अभी जो कलयुग है जिस कलयुग में हम जन्म ग्रहण किया कलयुग में कोई आना नहीं चाहते, क्यों? कली कली युग कली का है, कली मतलब कलह, जहाँ देश देश में कलह। हम लोग देखते होंगे टीवी में सबके सब, अभी सारा दुनिया में वो उसको धमकी दे रहा है, वो उसको धमकी दे रहा है, वो एटम बम की धमकी दे रहा है, हैं? सब दूसरे को धमकी दे रहे हैं, एटम बम छोड़ देंगे धमकी दे रहे हैं, घर घर में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, मन मन में लड़ाई है। लेकिन ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है, क्योंकि ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में आए, हर कलयुग में श्री महाप्रभु नहीं आते हैं। इसलिए बोले ब्रह्मा का एक दिन में कृष्ण आएंगे और आने वाले नहीं। मैंने भी कृष्ण को यही प्रश्न किया था, लेकिन कृष्ण ने कहा हे उद्धव अगर तुम मेरे से मिलना चाहते हो ना एक सरल उपाय बता करके जा रहा हूँ। बोले प्रभु बताओ। बोले जो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये भागवत ग्रंथ नहीं मैं स्वयं, कल सुन रहे थे ना भागवत का 12वां स्कंध है, ये भगवान की 12वां अंग है। प्रथम द्वितीय स्कंध धातु का 2 चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंध 2 गुरु, पंचम स्कंध भगवान के नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की 2 हाथ, अष्टम स्कंध वक्षस्थल, नवम स्कंध कंठ, दशम स्कंध मुखारविंद, एकादश स्कंध ललाट और द्वादश स्कंध भगवान का सार। ये कृष्ण स्वयं है। बोले उद्धव अगर कलयुग में मेरे से कोई मिलना चाहते हैं तभी भागवत कथा जो श्रवण करते हैं ये कथा सुनना और मेरे से मिलना एक ही बात, कोई अलग बात नहीं।
इसलिए कलयुग में जो कथा सुनते हैं वो साक्षात मेरे से वो मिल रहे हैं कलयुग में, और ये कथा से ही मैं प्रकट होता हूँ। तब महेश्वर ने बताया, फिर आप कृपा कर जाने ये भागवत कथा सुनाओ। बोले ठीक है, मैं सुना दूंगा। हम लोग तो 7 दिन तक सुनेंगे, लेकिन जहाँ पर श्री उद्धव कुंड है, गोवर्धन में आप लोग गए होंगे, जो लोग हैं जहाँ श्री कुसुम सरोवर, वहीं पर उद्धव जी 1 महीना तक उन्होंने महिषियों को वहीं पर कथा सुनाई। जब कथा सुनाए, कथा जब विश्राम की, ये भागवत ग्रंथ से स्वयं बातें दिया, कृष्ण स्वयं राधा जी को साथ में, सखियों को साथ में, सखाओं को साथ में, ग्वाल वालों को साथ में, कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ से कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे, और महिषियों ने साक्षात रूप में भगवान कृष्ण को दर्शन दिया। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, उसको साक्षात भगवत दर्शन करने का, उसको साक्षात कृष्ण दर्शन होगा उसको, जो कि भागवत कथा श्रवण करेगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जोर से जय जान लगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोलो। निताई गौर प्रेमानंद हरि जो कथा अभी तक तो सुने ना, ये भागवत की महिमा हम लोग ने सुनी। अभी हम लोग भागवत कथा सुने, भागवत महिमा भी भागवत कथा है, लेकिन एंड से भागवत स्टार्टिंग भी होगा। बोले जन्मादस्य जतोन्नयादितरतस्य स्वार्थी स्वभिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुच्यन्ति च सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन निरस्तत्वकं सत्यं परम धीमहि। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जब प्रारंभ की, उन्होंने 3 श्लोक बोला मंगलाचरण। कहते मंगलाचरण का मतलब क्या, तो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, अगर मंगलाचरण को साथ में वो काम करो, वो काम बहुत अच्छे तरह से बिना बाधा विपत्ति के वो अच्छे तरह से काम कर जाते हैं, इसको कहते हैं श्री मंगलाचरण है। इसलिए जब गुरु जी मथुरा अटके थे, हमारे बड़े गुरु जी जब कोई काम करते थे, पहले मंगलाचरण शुरू करते थे। और कौन सा वो गीत गोविंद में जो मंगल गीत है, पहले गुरुदेव को भजन को गाया करते थे, उसको बाद में फिर कोई काम करते थे। बोले क्यों, उसका नाम मंगल गीत है। कोई काम करो उसको द्वारा कर तो वो काम तुम्हारे मंगल मंगल ही होगा। इसलिए उसका मैं 2 लाइन गाता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे गा। देखो ये भजन में इतनी शक्ति है, कहीं भी ये भजन होगा कृष्ण रह ही नहीं सकते, जगन्नाथ जी रह ही नहीं सकते, उनको वहाँ आना ही पड़ता है। इसलिए कोई देवदासी बैगन तोड़ते समय ये भजन गा रहे तो जगन्नाथ मंदिर ही छोड़कर वहाँ पहुँच गए, और वो भजन को सुनते रहे। भगवान कपड़े फट गए, शरीर में दाग आ गया, मतलब ये भजन में इतने शक्ति। हम 2 लाइन करके फिर हम सुनेंगे, ठीक है। बोले जय जय दे बहरे जय जय दे बहरे जय जय दे बहरे जय जय Yeah.
मतलब ये भागवत ग्रंथ का आराध्य देव कौन है, इष्ट कौन है, और इसी विषय पर बड़ी झगड़ा है भारत में, क्योंकि ये श्लोक में विशेषण बताया लेकिन कोई विशेष पद नहीं बताया, केवल उसके गुण ही गुण बताए। इसलिए बोले भैया सत्यंग परम धीमही कौन है, ये परम सत्य जिसको ध्यान करते हैं, अभी जो शंकर की उपासना करते हैं, तो भैया सत्यम शिव सुंदर शंकर ही सब कुछ है, जो मैया देवी को उपासना करते हो जगत मा जगत जी सब कुछ है, जो गणेश जी को उपासना करते हो तो वही तो सिद्धि दाता है। अलग 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 व्याख्या है, लेकिन श्री वल्लभाचार्य कहते हैं ये पहला जो श्लोक है ना, इसका इष्ट और कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण ही इसका इष्ट और कोई नहीं। बोले प्रमाण, बोले प्रमाण है, जब कृष्ण देव की गर्भ में आए एक साथ में 33 करोड़ देवता गर्भस्थ करती हैं। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनि निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। सारे ब्रह्मा शंकर नारद सबके सब देवता कह रहे हैं, बोले परम सत्य कौन है, बोले भगवान वही केवल परम सत्य। बोले वो कौन है, बोले जन्मादस्य देवता, जिनकी इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी इच्छा से शंकर जी संहार करते हैं, और जिनकी इच्छा से श्री विष्णु जगत को पालन करते हैं, हैं? और अन्य व्यतिरेक रूप में जो कुछ दुनिया में देख रहे हैं हो रहा है सब भगवान कृष्ण करने वाले, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान को स्फुरण कराया, जिनकी माया ऐसे है बुद्धि जत सुरयो, बड़े बड़े देवता लोग भी जिसके माया में मोहित हो जाते हैं। हम आगे सुनेंगे स्वयं इंद्र भी मोहित हो गए हैं, इंद्र स्वयं प्रभु के चरण में माफी मांगे, फिर ब्रह्मा भी स्वयं मोहित हो गए, जिनकी बछड़े सखाओं को चुराया 33 करोड़ देवता भी मोहित हुए जिनकी माया में, स्वयं शंकर भी जिनकी होकर के घुमा दिया सारा दुनिया को है। इसलिए ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, हम सब के सब कृष्ण का चरण प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले भैया क्या तुम कृष्ण का प्रणाम कर रहे ना, और कौन है, बोले नहीं सत्यं परम धीमहि। ये जो परम शब्द है वो भगवान की जो पराशक्ति श्री राधा जी को लगते क्या है,
इसलिए बोले देवी कृष्ण मई प्रक्तराधिका परा देवता, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया। बोले क्यों? इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं बोले अकेला माधव पूजय स्वज्ञानी राधा अनादर करे अभिमान। इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो अज्ञानी है। इसलिए कबई ना कर विता कर संग चित्ते इच्छा से यदि ब्रज रस रंग, अगर ब्रज का प्रेम चाहता है ना, जब तक भैया राधा जी की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण का कृपा हो ही नहीं सकती है। इसलिए भक्ति किसकी करनी चाहिए? बोले श्री राधा कृष्ण दोनों को करनी चाहिए। इसलिए श्रीनाथम दास ठाकुर कहते हैं बोले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर श्याम गौरी अन्ने दिवसुआ चंद्रनी रगाता चामरा दुगा बगावे एव मुख चांदा कांति आमल तिरमाला दिव दुहार गावे आधारे राधा कृष्ण जुगल की सेवा करेंगे, सुंदर फूलों की माला गला में पहनाएंगे, सभी को श्रृंगार करेंगे और ललिता विशा के अनुगत इनकी चरण की हमें भक्ति मिलेगा है। इसलिए राधा कृष्ण जुगल को उपासना करनी चाहिए। इसलिए वो सत्यम परम धीमहि कौन है जैसे जुगल सरकार को उपासना करे। लेकिन श्री प्रभुपाद कहते हैं बोले केवल जुगल सरकार के नहीं बोले सत्यम परम धीमहि मतलब चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृत शक्ति अस्मात् देहात्मना भुवि पुरा देह भेदौगतौ चैतन्याख प्रकट मधुना तद्वयम् चैतमात्म राधा भाव दुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। बोले पहले कौन थे? बोले वो एक थे, पहले एक से दो हुए, कौन हुए? राधा और कृष्ण। जब वो पहले थे एक रूप में कौन थे? श्री सचिन गौर रूप में है, सचिन गौर। इसलिए जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा है। अभी कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर श्री महाप्रभु का रूप में आए। इसलिए वो सत्यम परम धीमहि कौन है? श्री सचिन गौर हरि। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। केंद्र मंगलाचरण की जो दूसरी श्लोक है प्लस प्रतिज्ञा, देखो कथा की कितने मात्र है। इसलिए एक श्लोक में उन्होंने तीन प्रतिज्ञा करते हैं। बोले क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र, अत्र मतलब ये भागवत ग्रंथ है। बोले भाई कपड़ता धर्म है जिससे धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी जिसमें मुख्य का भी कोई स्थान नहीं, जिसमें केवल भगवान की भक्ति। हाँ बोले वेद्य वास्तव मात्र, जिसमें वास्तव वस्तु भगवान की भक्ति की बात बताए। और तीसरा जो अत्र बोले सद्य दृत अवरुद्धता। देखो ये कथा की कितने महत्व। मंदिर का नाम क्या है? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम मंदिर श्री राधा रमन बिहारी। और मंदिर का नाम वृंदावन धाम। हाँ जैसे इस जैसे यहाँ कथा हो रही है, अभी आप लोग कथा में नहीं घर में भी, लेकिन आपको पता चला मंदिर में कथा हो रही है। अगर इसकी मन में इतनी केवल इच्छा हो गई भैया मैं कथा सुनने जाऊं कि नहीं, तो जहाँ लेकिन कथा में नहीं आए घर में,
इतना अगर किसकी इच्छा हो गई, इच्छा होने का साथ साथ भगवान आकर उसको हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं भगवान, भगवान को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। जैसे एक व्यक्ति स्वयं किसी रूम का अंदर में चले जाए और अपने आप को अंदर से बंद कर दे, यदि केवल कथा सुनने की इच्छा रखने का साथ साथ स्वयं ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के स्वयं बंद जाते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अगर जो केवल सुनने की इच्छा करती, लेकिन सचमुच से कोई घर से यहाँ तक आए और भागवत कथा में बैठ जाए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो बोले उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, वो व्यक्ति कितने पुण्यात्मा है। बोले एक जन्म नहीं, ये करोड़ों जन्म की पुण्य से ही कोई ये भागवत कथा सुनने का अधिकार बनते हैं, हैं? केवल इच्छा मात्र से ही। बोले भैया कथा कौन सुन सकते, बोले सुश्रो सुभी, सब नहीं बड़े पुण्यात्मा सुन सकते। अगर कोई बोलेगा भैया हम तो कोई पुण्यात्मा है नहीं, हम तो बड़े पापात्मा है, लेकिन कथा में कैसे बैठ गए? बोले केवल कथा में बैठ जाओ, कथा सुनते सुनते अपने आप पुण्यात्मा बन जाओगे, अपने आप पुण्यात्मा को बैठ कर कथा सुनते सुनते पुण्यात्मा बन जाओगे। इसलिए भागवत ये प्रतिज्ञा करता है, जो तीसरा मंगलाचरण श्लोक है वो आशीर्वाद देता है। बोले क्या आशीर्वाद देता है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुखा मुखात अमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूविभावका। अरे भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है यदि भागवत कथा नहीं सुन रहे? बोले क्या कर रहे हो? बोले कल्प वृक्ष बगीचे बैठे। बोले कल्प वृक्ष क्या मतलब? जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर सात दिन तक आपने सही सही कथा आगे सुना, एक मन से एक ध्यान से हैं, कथा से पहले आओ, कथा की लास्ट तक सुनो, आप मन में जो कुछ